राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कि बाल यौन शोषण से समलैंगिक बनते हैं, ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पीड़ित लड़के आते हैं और ये अनुसंधान केवल मेरे पास में है और जो मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। और इसमें काफ़ी लोग भ्रांतियों में हैं कि समलैंगिक जन्मजात होते हैं, गलत है। अगर किसी बच्चे को बचपन में प्रेरणा गलत मिल जाएगी तो गलत प्रेरणाओं के आगे वो चलता रहता है, वो आदतें बनती रहती है। और उस बच्चे के साथ में अगर बाल यौन शोषण हुआ है तो उस शोषण को आप विरोध नहीं करने की वजह से वो सीधे भोले लड़के फंस जाते हैं और वो फंसे हुए लड़के निरंतर उस दलदल में डूबे रहते हैं और उन्हें अंधेरा दिखता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है। और इंटरनेट पे भ्रामक जानकारियां दी हुई है कि समलैंगिकता का इलाज नहीं है। उन समलैंगिकों की बात मैं कर रहा हूँ जो बाल यौन शोषण से पीड़ित हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास में प्रमाण है, ऐसे लोग आए हैं। तो अब आपको मैं ऐसे व्यक्ति या आज जो है वो एक समय में बच्चा था उसके साथ में किस प्रकार से बड़े व्यक्ति ने हरकत की और निरंतर वो इस व्याधि में फंसता गया तो आप उसकी बोली सुनेंगे। मैं आपको उसकी ओरिजिनल आवाज़ बदल गए आपको सुनाऊंगा तो आपको ज्ञात भी होगा कि इस प्रकार से पीड़ाएं भी होती हैं, यातनाएं भी होती हैं। ये बात अब आप सुनिए। मैंने आपके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे। हाँ, मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और थोड़ा सा मुझे राहत भी मिली। फिर उस वो सर्च करते करते मुझे दूसरे जनों के भी वीडियो मिले। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मैं फिर से डिमोटिवेट हुआ और थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया। ऐसा उसे संदर्भ में आपसे कॉल करके पूछना चाहता था। अभी मेरी हालत भी थोड़ी सी अच्छी नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा एंजाइटी मतलब समझ चुके हो गया। एक महीने का ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स देते हैं। हाँ, और उसमें व्यक्ति ठीक हो जाता हो जाता है क्या? हाँ, बहुत सारे मराठियों को दे चुका हूँ, हम नाम गाम नहीं बता सकते हैं, हमारे पास गोपनीयता रखनी पड़ती है। ओके सर। जो आवाज देता है, कोई आवाज क्या देता है कि हमारे ओरिजिनल दे दो, कोई कहता है कि हमारे आवाज को बदल दो, तो बदल देते हैं, ओरिजिनल लगते हैं। पर महाराष्ट्र में खूब दिया और वो भी स्पेशली गाँव के लोग काफी है जो शहर में रहते हैं। हाँ, वही ना, पढ़े लिखे हैं। ओके, मतलब आप जो काउंसलिंग देते हैं उसमें प्रैक्टिकल भी करना पड़ता, मतलब होमवर्क जो मैंने आपका पढ़ा। हाँ, होमवर्क भी होता है क्या? हाँ, वो तो बताते हैं ना। ओके, और आपका काउंसलिंग अलग से? वो काउंसलिंग देते हैं, वो सब अपना दूसरा काम प्रभावित कोई नहीं होता है, एजुकेशन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई बाधा नहीं आती उसमें। ओके ओके। फिर काउंसलिंग लेते हो उस समय जरूर हमसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है, वो आधा घंटा वाला या घंटा वाला बस। ओके, आधा घंटा वाला, मतलब आपका समय कितना होता है तब? मतलब ऐसा है, सुबह लेते हैं या शाम? दो कोर्स है, एक 10,000 वाला है, एक 20,000 वाला है, एक में 30 मिनट है, महीने में 10 दिन होते हैं, लगता महीना पूरा। ओके, एक में 60 मिनट है, 600 मिनट लगते हैं, महीना पूरा लगता है, यानी दो दिन छोड़ के काउंसलिंग देते हैं। ओके, पहली बार कब संपर्क में आए? मेरे साथ मतलब 2-3 बार घटना हुई है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 6 साल का था तब मेरे साथ मतलब एक 20 साल का होगा वो मुझे बहला फुसला कर उसने मेरे साथ मतलब वो ऊपर ऊपर से मतलब वो करता था ऐसा। फिर जब मैं 16 साल का था तब इतने मुझको जबरदस्ती मतलब पैसा किया। वो भी सिर्फ मतलब मुख में तो जो बोलते हैं ना। हाँ, फिर वैसा। और जब मैं एक कोचिंग के लिए गया था तब एक सर ने मुझे मतलब वो होटल पे रहता था मतलब उसका कुछ काम था तो उसने मुझे बुलाया। फिर जबरदस्ती वो मेरे को वीडियो देखने लगा, दिखाने लगा मतलब। और फिर उसने क्या, तब मुझे नहीं अच्छा लगा था, लेकिन जब थोड़े दिन बाद मतलब मेरा एक दोस्त था वो भी मुझसे ऐसा चिपकता रहता था, फिर मतलब मुझे थोड़े से आदत हो गए। मैं वो पीछे वाला वो नहीं किया था कभी। हाँ, मुंह में ऐसा। फिर वो एक बार बोला सिर्फ कि तेरा शादी के बाद क्या होगा, ऐसा उसने बोला। तो मेरे बाद मतलब ऐसा डर सताने लगा कि क्या होगा सच में।
तो जब मैं प्रैक्टिकल करने लगा कि मतलब वो जो वीडियो होते हैं ना लड़का और लड़की, तब तो सच मेरा डर इतना बैठ गया कि मतलब मुझे सच में ऐसा लगने लगा कि क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं ऐसा, वो विचार आते। फिर जब आप मैस्टरबेट करते तो वो ढीला पड़ जाता था, ऐसा हो रहा है अभी। और विचार भी बहुत बहुत बुरे आ रहे हैं, मतलब ऐसे डिप्रेशन के, ऐसा क्या होगा शादी के बाद, या होगी या नहीं उसके बाद। आपका वीडियो देखता हूँ तो इंस्पिरेशन मिलती है। अगर गलती से भी आपका वो रिसर्च करने के लिए अदर भी वीडियो आते हैं ना दूसरे, जो कोई साइकेटिस्ट वगैरह, तो एक ने तो बताया कि मतलब ये नेचुरल है, तो मतलब मुझे फिर से डिमोटिवेट हुआ, मतलब ऐसा नहीं कैसे नेचुरल हो ऐसा। गया, 6 साल के हाँ लड़के के वही, साथ में कोई कर लेता है कैसे नेचुरल। उसको बोलो कि तेरे हाँ बेटे के साथ करवा के देख ले ताकि पता चल जाएगा। नहीं, इसलिए मैंने तो क्या निगेटिविटी के लिए कमेंट भी नहीं देखे, क्योंकि मुझे पता था ना कि अगर मैं निगेटिव सोचू तो मतलब नहीं, उन लोगों हो का पता जाता। नहीं है और इसमें टाइम लगता है। और देखो सीधी सी गणित है, जितने भी साइकेट्रिक या दूसरे डॉक्टर होते हैं, पहली बात तो उनको पता नहीं है कि हकीकत क्या है। वो किताबें पढ़ी है हाँ अमेरिका की, हाँ वही तो। बातचीत उन्हें पता नहीं होता धरातल पे क्या हो रहा है। दूसरा, उन्हें ये पता नहीं है कि इस प्रकार से पीड़ा होने से ठीक कैसे होंगे। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से आजाद हूँ, मतलब ये मुझे नहीं चाहिए। तीसरी बात, उनके पास में एक 3 मिनट या 5 मिनट में कोई 1,000 2,000 5,000 दे रहा है तो इतना समय क्यों देगा? और सबसे ज्यादा जो पेशेंट मिलते हैं उनका इलाज करेगा, ऐसे पेशेंट कम मिलते हैं तो फिर वो तो मना ही करेगा ना। ओके अब मेरे पास में ये समझ लो, अगर पूरे महीने में एक पेशेंट आवे और मेरा कोई धंधा भी नहीं हो तो मैं क्यों इसमें आ दूंगा? मैं तो सर्दी जुकाम बुखार वाला इलाज करूंगा ना, जहाँ रोज 10 20 40% पेशेंट मिलते हैं, उसमें काम करेगा आदमी तो। दूसरों ओके की चिंता कौन करता है और क्यों करेगा? हर आदमी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, डॉक्टर भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और ऐसे पेशेंट मिलते नहीं, नहीं उसने है। तो ऐसा मतलब वीडियो में एक साइकेट्रिस्ट ही था, तो उसने सीधे सीधा बोल दिया कि ये सब नेचुरल होता है और ये कोई नहीं 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 साइकेट्रिस्ट नहीं वगैरह गलत ऐसा है, नहीं कर उनकी सकता। स्टडी गलत है और वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। पहले तो एक कारण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो पूरा बोलते भी तो नहीं है ना नहीं बोलते हैं। बस। और ऐसे मेरे पास ओके में दवाया खाई है, अंग्रेजी दवाओं को मैंने छुड़वा दिया है, ऐसा नहीं है। और उसमें जो छुड़ाए गए हैं उसमें एक मराठी था, उसके बच्चे भी हो गए, तो कहने का मतलब है कि हम गोपनीयता रखनी पड़ती है, हम सब नहीं दिखा सकते हैं कौन कहाँ का है। राज्य बना सकते हैं पर जिला भी नहीं बना पाते हम, नहीं वही मैं समझे। भी चाहता हूँ। हाँ, मैंने आपके वीडियो सारे देखे, मतलब जो इससे रिलेटेड थे ना वो मैंने सारे देखे, और मुझे भी ऐसा फील हुआ कि हाँ मतलब कर सकते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, मेरी बात मैंने सच्चाई तुरंत है, और मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, 12 महीना तो मुझे भी समझ में नहीं आया हाँ था। मैंने सब मतलब 3 साल के जो वीडियो थे वो भी देख लिए मैंने इसके बारे में, तो मतलब मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने जब एक ही सिर्फ वीडियो उसका देखा तो मुझे मतलब अंदर से लो फील हो रहा है ऐसा। अब देखो, हम किसी को आवेदन निवेदन नहीं करते हैं, जिसको जरूरत है तो लीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। हम अब बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी भी आने लग गए हैं कि गारंटी, हम मना कर देते भैया जहाँ गारंटी हो वहां पे जाके इलाज करो, हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। जिसको जरूरत होगी ले लेगा, नहीं है तो दुनिया में रिस्क तो लेनी पड़ती है। वो बात सही है बोरवेल मतलब। खुदाते हो, पानी खुदाते हो, बोरवेल को बुलाते हो, 900 फीट तक खोदता है, पानी नहीं आता, उसको कहते हैं कि पानी आएगा तो पैसा दूंगा, गारंटी लेगा क्या कोई? लेता है? अच्छा, नहीं लेता है। कॉलेज में डॉक्टर वकील बनते हैं, कोई माँ बाप जाके के मेरा बेटा वकील बनना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, गारंटी लेते हो, कोई लेता है क्या? नहीं देता, बस वो गारंटी होती लेकिन नहीं, पढ़ने की हाँ एबिलिटी होनी चाहिए, तैरना सीखना है तो खुद में योग्यता होनी चाहिए, समय कम ज्यादा हो सकता है किसी के लिए ओके, सही कहा पर जरूर आपने। सीखता आदमी, अच्छा, ये गलत मुझे सीखा भी हुआ ऐसा है। लगा कि ये नेचुरल तो नहीं है, मुझे भी लगता है मेरे साथ ये जो हादसे हुए थे इसके वजह से, बस तो मैं कह सकता हूँ ये तो नेचुरल तो मैंने तो नहीं है। साफ लिखा ना, बलपूर्वक या बेला फुसला कर, और वो सीधे लोगों के साथ में ये तकलीफ हो रही है। हाँ, और मैं मतलब डर बैठ गया वो कि ऐसा हो सकता है या और फिर फिर आदि मेरा हो आदि गया हो है। गए, आदत हो गई। हाँ, आदि मतलब ऐसा ही नहीं, लेकिन वो डर बैठ गया कि होगा ही नहीं उसके बाद, मतलब आफ्टर मैरिज के बाद ऐसा, मतलब डर बैठ गया खाली। मैं शुरू से ही मेरा था कि मैं शादी करूँ, ऐसा ऐसा बाल बच्चे मेरे वगैरह पास तो ऐसा बाल सब कुछ बच्चे वाले है। प्रूफ भी है, बोलो। ओके, मेरा भी हो सकता है सर।
हाँ हो सकते हो ना, और लेने के ठीक होने की तो भावना है तभी मेरे पे संपर्क किया ना। हाँ मैंने आपका मेरे को वीडियो ये देख के बताओ, ही ठीक फिर होने की हाँ भावना होने से यूट्यूब देखा है ना, नहीं तो घर पे बैठे रहते हैं ना। हाँ तो भाई हाँ कहीं ना सही कहीं तो कहा, इसका इलाज होगा, लोग ढूंढते हैं ना, कोई ना कोई तो हाँ करता होगा, ढूंढते ये हैं, मन में भावना तो थी ना। कुछ हाँ भावना ही है, मतलब मुझे तो लोग ठीक ऐसे होना ही हैं होना जो है इसे। जो सुधरना चाहते ही नहीं, उनके माँ बाप कोशिश करते हैं वो नहीं सुधरते, ऐसे भी मेरे पास में आते हैं। मुझे सर सुधरना ही है, आप तो फिर मैंने मिलेगा बता दिया, आपका। 1 महीने का ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स है, दो प्रकार के हैं, जो इच्छा है जो लीजिए, 10,000 वाला या 20,000 वाला। वो दोनों में आप फर्क समझा सकते हैं क्या, मतलब समय समय एग्जाम? टाइम 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 ऑनली, और कुछ फर्क नहीं। ओके, तो मतलब ज्यादा समय लेने से ज्यादा क्या मतलब उसका फायदा हो गया? अरे कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और कोचिंग भी तो जाता है, नहीं जाता है? कोई ओके ओके, हाँ कोचिंग सही जाता भी था, नहीं है, उसकी डबल जाता 20 ही होती नहीं। है, कोचिंग वाले की डबल 20 है, कोचिंग नहीं जाता है, ओके ओके, उस पर निर्भर है। मैंने वो भी वीडियो देखे जब आप मतलब कुछ कुछ कहा दो सिटिंग में ये मतलब उनको अच्छा रिजल्ट हुआ, आपने कुछ कुछ वीडियो में कहा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे को भी जल्दी ठीक होना है सर। जो ठीक हो चुके हैं उनकी आवाजें तो आई है ना अंदर, बस आइए, तब इच्छा है ओके तो लो, नहीं तो राधे राधे। थैंक यू सर, आपसे बड़ा तो अच्छा लगा। तो आपने सुनी ये बात और देखा होगा कि किस प्रकार से व्यक्ति के साथ में बाल यौन शोषण होने की वजह से उन्हें एक लत लग जाती है, फिर उन्हें समलैंगिक की पसंद आते हैं, और इसको वापस ठीक किया जा सकता है। और ऐसे ठीक किए हुए प्रमाण आप मेरे YouTube पे देख सकते हैं, और मेरे ब्लॉग के ऊपर सारे लोगों की मैंने हिस्ट्रियाँ भी दी है, वो कैसे ठीक हुए हैं, कैसे पीड़ित थे। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का दबाव दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।